को दिल से बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि सबसे पहले तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस गाने के लिरिसिस्ट हैं मनोज मतलबी जी, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप सब उनको बड़े अच्छे से जानते हैं। साथ ही घुंगरू जी, जो कि इस गाने का म्यूज़िक डायरेक्शन किया है जिन्होंने, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को बनाया है उन्होंने। और जितनी मेरी टीम है, लाइक इस गाने से जुड़े जितने लोग हैं, जो भी उस शूट के दौरान मौजूद थे, उन सबों को मैं थैंक यू दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रामदेवन मास्टर जी को, जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर हैं, साथ ही आशीष यादव जी को, जो कि जो इस गाने को निर्देश जो इस गाने के निर्देशक हैं, और साथ ही जितने भी लोग मेरे साथ, मेरी टीम के जितने लोग हैं, जो सह कलाकार लोग हैं, सबों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दौर ऐसा आ रहा था। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मेरी लाइफ, या मैं किसी से छुपी भी नहीं हूँ, जो हूँ वो सब आप लोगों के सामने हूँ। मेरा जीवन जो भी है वो आप लोगों के सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है। और मुझे फेक बनना पसंद भी नहीं आता है। मैं एकदम क्लियर रहना चाहती हूँ, और इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दौर ऐसा भी आया था कि कई कंपनीज ने, बड़े बड़े कंपनीज ने मेरा गाना रिलीज़ करना बंद कर दिया था, या बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए पिछले 2 साल में, और उससे जूझ रही थी, और एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश में लगे थे लोग। लेकिन मैं, एक तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, ये बात तो है, लेकिन इसके बावजूद आप सबों ने मुझे पुनर्जन्म दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया। आप लोगों ने इतना सारा आशीर्वाद दिया जिसकी मैं अपेक्षा नहीं करती थी, उम्मीद भी नहीं किया कभी कि इतने इतने कम समय में मेरे गाने को इतना ज़्यादा प्यार मिल जाएगा, कि एक छोटा सा चैनल, जो कि मैंने जिद में, आप लोगों के मोटिवेशन देने के बाद मैंने एक छोटे से चैनल से शुरुआत की, जो कि मेरे नाम पे मैंने ये चैनल खोला, और एकदम छोटा सा सब्सक्राइबर, बड़े कम लोग, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि इस चैनल को भी बिल्ड कर दिया। और ये इस बात का प्रूफ हो गया कि कला को किसी की ज़रूरत नहीं है। कला अगर आपके अंदर है, या आपके साथ दर्शकों का प्यार है, तो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना रास्ता खुद बनाइएगा, और मैं इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को नमन करना चाहती हूँ, और दिल से ढेरों थैंक यू। और जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरे मोटिवेशन हैं, जितने मेरे दर्शक गण हैं, जितने मेरे श्रोता गण हैं, सबों को बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू ऑल वेरी 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 मच, और उम्मीद है कि मेरे और भी छट के गाने आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। एक और गाना है मेरा, जो कि स्पीड रिकॉर्ड से रिलीज़ हुआ है, और पातर मरद महान, सामान लेके आ जाना। और इस गाने को भी आप लोगों ने बेहद प्यार दिया है, और
मैंने देखा है टिकटॉक पे इस गाने के बहुत सारे व्यूज़ हैं और उस पे कई सारे मेरे चाहने वाले लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, जिसको मैं जितना मौका मिल पाता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ। और बहुत पसंद भी आ रहे हैं मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस कुछ नया नया क्रिएटिव तरीके से क्रिएट कर रहे हो, और आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। एंड हेलो अक्षरा जी, हेलो सनूप कुमार जी, नितेश सिंह जी, थैंक यू संतोष कुमार जी, थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस सफ़र में जितने लोगों ने मेरे चाहने वालों ने मेरे दर्शकगण ने मेरे फैंस ने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना प्यार किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। साथ ही उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आओ मम्मा आ जा, ये मेरी मम्मा पीछे से मुझे हमेशा गाइड करते रहती हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे गाने की प्लस पॉइंट कि मम्मा बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं अनारो देवी के नाम से, क्योंकि निमकी मुखिया सीरियल में मम्मा काम करती हैं। और मम्मा इस वक्त तुमको सारे लोग देख रहे हैं, मेरे सारे फैंस, तुम्हारे सारे फैंस। और ये रही मेरी मम्मा, और हेलो, नमस्ते, हैप्पी छठ पूजा। मम्मा ने इस गाने में काम किया, चूंकि मैं बहुत दिन से ये रट्टा मार रही थी कि मेरे लिए ये गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ मेरी माँ ने मेरे इस गाने में काम किया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने शूट से टाइम निकाल के इन्होंने मुझे समय दिया। और मेरी माँ ने नहीं, अनारो देवी ने मेरी केमिस्ट्री को बहुत, जितने लोगों ने मेरा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहती हूँ। साथ ही जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है, जिन्होंने मेरी बुराइयाँ की है, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ें दी हैं, जिन्होंने जो जो मेरे दुखों की वजह रहे हैं, उन सबों को भी दिल से नमन और थैंक यू। कि आप लोग अगर ऐसा नहीं करते तो शायद मैं और ज़्यादा मोटिवेट नहीं होती। डुबू भी बात कर रही है। सो यस, ये बात है। और मिस्त्री वाला गाना, हम सब आपके साथ थे और हैं, शिवम राय जी, आई नो दैट। मैं ये बात से अवगत हूँ और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आप सब मेरा साथ हमेशा से देते आए हैं और आगे भी देंगे। इस वजह से मैं हार नहीं मानती हूँ, इस वजह से मैं और ज़्यादा लड़ने की मुझ में क्षमता बढ़ जाती है और मेहनत करने की मुझ में शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं। सो संतोष कुमार जी, थैंक यू सो मच, सुपर सॉन्ग। अक्षरा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, वी वॉन्ट टू सी यू इन बिग बॉस। निकी ठाकुर, नो आई डोंट वॉन्ट टू गो। हाँ, कितने लोग, अभी मुझे ये बात बिग बॉस से याद आई कि मैं कितने लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए नाटक भी करती हूँ। क्या बोलूँ मैं, एनी विच वेज, ये सारी नेगेटिव बातें हैं, इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आप सब मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तान्या तिवारी जी, ऑसम वॉइस, थैंक यू, आप हमेशा से अच्छी, थैंक यू सो मच, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वंदना जी, थैंक यू। अनुज ज्योति जी, माँ को फिर से बुलाओ दी। माँ आज काम करने में बिजी हैं, इसलिए थोड़े थोड़े समय पे आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा दोनों को ही साथ में आना चाहिए। और मम्मी पापा आप भी आ जाइए प्लीज मेरे साथ।
बिकॉज़ ये एक तरीके से रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी का मुझे ना तो रिकॉर्ड बनाना है ना ऐसी कोई मंशा है, मुझे सिर्फ